नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी में। एकेडमी का सफ़र हमेशा की तरह बेमिसाल, लाजवाब और आपका साथ सदाबहार। तो हम अभी तक एजुकेशन वाली वीडियो चल रही हैं, लेकिन आज जो लेके आया हूँ वो एजुकेशन से अलग वीडियो है। ध्यान से देखना, क्या पता किस वक्त कहाँ क्या काम आ जाए। तो आइए देखते हैं। देखो, बात कुछ इस तरीके की है, जीवन में बहुत सारे पहलू है पैसे कमाने के लिए। पैसे किस लिए ज़रूरी है कि अपना जीवन अच्छे से चलता रहे, पूरा जीवन सार्थकता से चलता रहे, कोई उसमें कठिनाई नहीं आए, और जब कठिनाई हो तो साथ में पैसा हो उस कठिनाई को दूर करने के लिए। देखो, बच्चे तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, दिन रात एक कर दो। लेकिन एक दूसरा पहलू और है जो मैं आज आपके लिए ले गया हूँ। ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल एडिसन है, ठीक है। ये प्लान बी है, समझते हो ना। हमेशा देखोगे ना, हर जगह प्लान ए तो सब तैयार करते हैं, हम प्लान बी की तरफ भी लेके चलेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। पहली पीपीटी में क्या दिखाया गया है कि सो मैनी पीपल से ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मनी येट दे वर्क एट अ जॉब फॉर 8 आवर्स अ डे। देखो, आप एक छोटी चीज़ समझना, जीवन में धारण करना। जो आदमी इंसान ये कहता मिलेगा ना, आपके आस पड़ोस में देखना कि वो मुझे तो पैसा तो क्या है, पैसा कुछ नहीं है, पैसे के लिए क्या करना क्या नहीं करना, वो इंसान दिन के कम से कम 8 घंटे डेली और 60 साल की उम्र तक डेली उस पैसे के लिए ही भाग रहा होगा। समझ में आया ना। जो कहता है ना पैसे क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना पूरा दिन गुजार देता है, अपना पूरा जीवन इस पैसे के लिए गुजार देता है। वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पैसे के लिए भाग रहा हूँ, अपने मन को बका देता है, छलावा दे देता है। लेकिन सच्चाई ये है, वो इंसान पूरे जीवन भर भागता रहता है पैसे के लिए। यानी पैसे की क्या वैल्यू, क्या जरूरत है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं आज हम। आगे देखते हैं। योर थॉट इज योर मनी, थिंक पॉजिटिव। अब इस चीज़ को समझो। देखो, यहाँ लिखा है योर थॉट इज योर मनी। आपने सुना होगा, कहते होंगे भाई पैसा है, पैसा लगाओ, पैसे से पैसा बनता है, पैसा ही सब कुछ है। नहीं, अपनी दुनिया में आसपास कुछ भी देखो। मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, ठीक है, इसमें लाइट है, बल्ब है, टीवी है, कैमरा, सब कुछ है। तो क्या भाई ये पैसे से ही बना है सब कुछ? नहीं, जब ये चीज़ बनी होगी तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग लगा होगा, किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया होगा जब इन चीज़ों का जन्म हुआ। बल्ब आपको दिख रहे हैं ना, एडिसन ने दिमाग लगाया था, एडिसन ने दिमाग लगाया था, बाद में उसकी मार्केटिंग करके खूब पैसा कमाया। यानी क्या है, आपके जो विचार है ना, आपके जो विचार हैं वही आपका पैसा है। अपने विचार को पॉजिटिव लेके चलो। जिसके पास अच्छे विचार है, अच्छा काम करने का तरीका है कि कैसे मैं किस विचार को कहाँ पुट करके कैसे पैसे बना सकता हूँ, कैश फ्लो कैसे कर सकता हूँ, जिसके पास ये दिमाग है ना, वो सबसे अमीर आदमी हो जाएगा इस दुनिया का। यही तो देखना है। द फिलॉसफी ऑफ द रिच एंड द पुअर इज इन The rich invest their money and spend what is left, but the poor spend their money and invest what is left. ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गहरी चीज़ है, ध्यान से समझना। देखो, जब पैसा आता है ना, तो सामान्य सी सोच वाले इंसान क्या करते हैं, पैसा आ गया भाई, सारी चीज़ खर्चे वर्चे, इधर उधर, ये वो लगा, वो खर्चा कर दिया, वो कर दिया, करते रहते हैं, लगे रहेंगे, दे ही तोड़ लें खर्चा कर करके, और लास्ट में 1-2 हज़ार बच जाएंगे। ओ हो भाई, से ना कहीं और लगा दूँ, शेयर मार्केट में लगा दूँ, कुछ और कर दूँ, लेकिन ब्याज पे दे दूँ, इसमें टूटे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ना समझ रहे, अमीर आदमी क्या करेगा, पैसा आते ही पहले इन्वेस्ट करने का सोचेगा और बाद में बचे हुए को स्पेंड करेगा। और नॉर्मल क्या करते हैं हम, जो 90%, 99.9% हम सब क्या करते हैं, पैसा आते ही पहला घर के खर्चे भरना, ये वो एक्स्ट्रा बेखाम के खर्चे, अभी शॉपिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, पहले खर्चे में लगाऊंगी, और बाद में जो 1-2 हज़ार बचेंगे, 4-5 हज़ार बच जाएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए तो रिच आगे हैं, समझ में आया ना, क्योंकि वो पहले स्पेंड करने, वो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, और हम 99.9% पहले स्पेंड करने की सोचते हैं और बचे हुए को इन्वेस्ट करते हैं। तो आगे कौन जाएगा, रिच जाएंगे। जैसे देखो, पुअर माइंड सेट क्या कहता है, भाई इसके पास पैसा आ गया, बहुत बढ़िया तनख्वाह लग गई, 1 लाख रुपये तनख्वाह में लग गया, आते के खर्चे बढ़ा लेगा, आईफोन ले लेगा, ये कर लेगा, गाड़ी ले लेगा, किस्तों में लगा लेगा। लेकिन क्या है, रिच वाले क्या करते हैं, भाई पैसा आया पैसे से अलग अपनी कैपिटल खड़ी करेंगे, पैसे से पैसा बढ़ाएंगे, कैश फ्लो बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कैश फ्लो। आगे देखेंगे इसके बारे में। माइंडसेट रिच वर्सेस पुअर। देखो रिच क्या करते हैं, 66% ऑफ रिच पीपल आर बिजनेसमैन, 86 विच आर सेल्फ मेड। इस दुनिया में लगभग 86% अमीर वे हैं जिन्होंने खुद अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना काम आगे बढ़ाया है। ठीक है, अमीर तो कितने हैं, 66% है जो अमीर है और वे बिजनेसमैन है, लेकिन उनमें भी 86% ऐसे जिन्होंने खुद खड़ा किया अपना काम। आगे क्या, रिच पीपल सोल्व प्रॉब्लम। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में, देख लो भाई। रिच पीपल सोल्व प्रॉब्लम बट पुअर पीपल फाइंड द प्रॉब्लम। एक छोटी सी चीज़ देखना, आप टीचर लग गए, कहीं भी लग गए, नौकरी लग गई आपकी। भाई आप सोचोगे भाई 9 से 5 की ड्यूटी है करके मैं घर आया और आते सोचोगे वो थक गया, मैं तो रेस्ट कर लूँगा, मैं तो ये काम कर लूँगा, जीवन में शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपने क्या करा, पैसे कमाने का जो आगे हो सकता था ना, उसके आगे अपनी समस्याओं को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। आई रिपीट, समस्या को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। लेकिन अमीर आदमी क्या होगा, अमीर सोच वाला आदमी, अमीर नहीं, अमीर सोच वाला आदमी क्या होगा, वो सोचेगा ये टाइम वहाँ लगा दिया, उसके बाद जो टाइम बचा उसको कैसे अच्छा कैसे यूज़ करूँ, उस समस्या का समाधान देखेगा कि मैं कम टाइम लगा के ज़्यादा इनकम कैसे उठाऊँ, वो इस चीज़ पे ध्यान देगा। समझ में आया ना। गरीब सोच वाला करेगा कि भाई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समस्या उनको पूरी उम्र गाता रहेगा, बुढ़ापे तक कहता रहेगा वो या समस्या। अमीर सोच वाला क्या करेगा, या समस्या इसका समाधान क्या करूँ, समाधान क्या करूँ, बुद्धि है तो यूज़ करो, मनुष्य है ना तो यूज़ करो बुद्धि का। अलग ये जो है भाई ये इम्पोर्टेंट है। दे हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एंड पुअर पीपल्स दे हैव वन सोर्स ऑफ इनकम। आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ। नौकरी लगने के बाद, नौकरी लग गया भाई, ठीक है, नौकरी लगते पहले सोचा हो भाई थोड़ा फोन फान ठीक कर ले मैं, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी भी होनी चाहिए, फिर कल ना ब्याह हो जाएगा, ब्याह के बाद सोचोगे भाई ओहो गुजारा हो नहीं रहा इस घर में, गाड़ी घर के आगे नहीं आ रही, ऐसा कर लूँगा जी मैं घर, गाड़ी सीधी घर के भीतर जा, घर के अंदर वाला गाड़ी जाएगी घर के अंदर, लेकिन आपके पैसे जाएंगे बाहर। समझो ना, गाड़ी तो आ गई घर के अंदर लेकिन आपके पैसे क्या हर महीने आपको चूसती रहेगी, जो आपकी ईएमआई बनेगी ना वो आपको चूस के खाली कर देगी। उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकोगे कि यार मैं अगर इस नौकरी के अलावा कुछ सोचूंगा ना मैं क्या कर पाऊँगा, आप ये सोच नहीं सकोगे। क्यों? आपको दिखेगा 30 तारीख को ईएमआई भरनी है, तनख्वाह के भरोसा हूँ मैं। ठीक है, इस चीज़ से बचो, एक बार समझो, सोच बदलने का मौका बार बार नहीं मिलता, उसको पैदा तो करके देखो। आगे देखो, अब अमीर आदमी है वे खाली एक जगह से पैसे ना कमाते, एक बिजनेस में प्रॉफिट है उसको दूसरे बिजनेस में लगा दिया, फिर तीसरे में लगा दिया, अलग अलग जगह से इनकम आ रही है। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर डाउन है तो दूसरा शेयर ऊपर है, इसी प्रकार अलग अलग बिजनेस में लगा के कमा रहे हैं। वो चीज़ ध्यान दो। अमीर बनना भाई अल्टीमेट गोल क्या है, कमा देना है। रिच बाय असेट्स एंड पुअर बायज लाइबिलिटी। अब एक चीज़ समझो, असेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है, ये चीज़ ध्यान से समझना। हमारे यहाँ क्या भ्रम है, क्या है, एक भ्रम है। लोग सोचते हो भाई बढ़िया है, गुच्ची ड्रेस ले ली, अरमानी का सूट ले लिया है, गाड़ी खरीद ली, घर ले लिया, ओ मैंने तो अपने असेट्स क्रिएट कर ली। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, ये लाइबिलिटी है। एक देसी तरीका है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है वो आपकी लाइबिलिटी है, अगर वो चीज़ आगे जाकर आपको पैसे दे रही हो आपके असेट्स है। क्या वो असेट्स? अब क्या करेंगे, लोगों की समझ में नहीं आएगा, असेट्स वही सोचेंगे ओ मैं तो घर ले लिया, मैंने तो गाड़ी ले ली, मेरी असेट्स क्रिएट कर लिए मैंने। नहीं, ये आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, कुछ देंगे नहीं, जेब में से पैसा चला गया। असली में, असलियत में ये होती क्या है, लायबिलिटी। क्या होती है लायबिलिटी? असेट्स क्या होती हैं भाई, आपने कहीं रेंटल इनकम जनरेट कर ली, आपने किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा जहाँ से पैसा आएगा, आपने कोई बिजनेस क्रिएट करा, आपने कोई कैश फ्लो बनाया। कैश फ्लो का मतलब पैसे से पैसा, यानी जहाँ पे इन्वेस्ट करो बाद में आपको पैसा दे, उसे कहते हैं असेट्स। तो असेट्स और लायबिलिटी का पता होना चाहिए, ध्यान लगाना है। ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। एक चीज़ ध्यान से देखना, आप अपने आसपास देखते होगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बहुत बच्चा है, मतलब जैनवन बालक है, वो पढ़ के बहुत अच्छा नौकरी पा लेता है, भाई बन गया बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, और एक देखना भाई उसकी लाख रुपए इनकम होगी। एक कोई बिजनेसमैन है, कम पढ़ा लिखा है, कम वो है, लेकिन उसके अंदर एक ताकत है कि बोल लो कि मुझे इस चीज़ पे आगे कदम बढ़ाना है, समझो ना, तो वो अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा। इस चीज़ का यही कहना है। ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, वही बिजनेस खड़ा करेगा, वो नहीं कर पाता है। करेगा वो जिसके अंदर बोल्ड फैसले लेने की ताकत होगी। करना है तो करना है। देखो, सब सामान्य परिवार से चलते आ रहे हैं। आगे की पीढ़ी को ऊपर उठाने के लिए किसी एक पीढ़ी को जलना पड़ेगा, बोल्ड फैसला लेना पड़ेगा, और वो लेना पड़ेगा कि जो अब तक किसी ने ना लिया हो। कि मना करना है, और करने का मतलब ये ना, देखो काम तो कोई भी शुरू कर देगा, काम शुरू करना 2 मिनट का काम है, 4 पार्टनर जोड़े काम शुरू हो गया। उसको टिके रहना है, चलाए रखना है। अब टिके रहने का, चलाए रहने का क्या मतलब मैं बताता हूँ। आपने कोई काम शुरू कर दिया, ठीक है भाई, जैसे काम शुरू करोगे उसके बाद आपने धीरे धीरे आगे खर्चे दिखने शुरू होंगे। क्या होंगे खर्चे? यो भी खर्चा, वो भी खर्चा, वो भी खर्चा। आपका मन कच्चा होता चला जाएगा। उस खर्चे से नहीं घबराना है, टाइम लगे तो लगन दो। अगर आपका फैसला ओके है ना, आपका काम बढ़िया, आपकी नीयत अच्छी है, तो वो होगा। क्यों नहीं होगा? होगा, कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य है, बुद्धि का प्रयोग करना है। अब एक चीज़ और देखो इसमें छोटी सी, भाई मान लिया एक बच्चा है, तैयारी कर रहा है, बहुत बढ़िया नौकरी की तैयारी कर रहा है, 8-10 साल हो गए बड़ी नौकरी तैयारी कर रहा है। चलो भाई, ना बन पाती बात, क्योंकि हमारे यहाँ क्या नौकरी निकलेगी हज़ारों में और बच्चे हैं करोड़ों में, अरब बोलिए अब तो बच्चे हैं करोड़ों में और नौकरी हज़ारों में। तो इस बात का तो वो क्या ना, प्रायिकता, एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर पड़ा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 2% है, 3% मान लो, इतनी है नौकरी लगने की। बाकी क्या करेंगे? बाकी क्या करेंगे? हार नहीं मानेंगे, वो आगे जाके राज करेंगे। अगर उनकी सोच अमीर वाली है तो वो राज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो 10 साल आप उसमें दे रहे हो, आप अपना काम धंधा कोई अच्छा सेट करें, आप बड़ो तरीके से बिजनेस होता है, उसको मैं समझाऊंगा। बिजनेस में और जब काम धंधा शुरू करते हो उसमें क्या फ़र्क है। आपने अपने काम धंधे में 1 साल 2 साल 3 साल दे दिए, उसके बाद जो पैदा होगा ना, वो दादा ले पोता भरता ऐसा काम होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो, मैं भाई मान लो मैं टीचर लग रहा हूँ, 60 साल की उम्र तक मैं बढ़िया कमाऊंगा, उसके बाद पेंशन तो अब है नहीं, मैं कमाऊंगा बढ़िया, भाई बढ़िया पैसा, बढ़िया तनख्वाह हो जाएगी। 60 साल के बाद क्या वो है मेरे बच्चों को नौकरी देंगे? नहीं। लेकिन जो मैंने 10 साल अपने काम धंधे ने दिए है, जो सेटअप हुआ है, वो सदियों सदियों तक चलेगा, समझ रहे हो ना। उसकी श्योरिटी है कि वो मेरे से मेरे बच्चों, बच्चों से आगे, आपसे आपके बच्चों में, उनसे आगे बच्चों के बच्चों को। ये ना सोचना पड़ेगा कि मुझे 10-15 साल भाई नौकरी की तैयारी में लगाने, काम करना, इसको फैलाना है, बस उसमें टाइम देना थोड़ा। तो चलो आइए आगे देखते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप सेफ जोन में रहोगे, और एक रिस्क जोन है। रिस्क पता है बिजनेस, ये रिस्क की वो वाली बात ना है भाई पैसे फूक दिए कर, ये होता है अंधा काम। कभी पैसा लगा दिया, फूक दिया, रह गया। समझदार हो ना, बुद्धि से पैसा लगाओ, इस बुद्धि का कितना यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। काम करने से पहले देखो, एक वो कुछ सुना होगा ना कि 2 दोस्त थे, दोनों को कुल्हाड़ी दे दी गई, भाई पेड़ को काटना है। एक दोस्त तो लग गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे 5 घंटे, वो उसमें कट्टा नहीं। लेकिन दूसरे दोस्त ने पूछा, हाँ भाई काटने कितना टाइम लगेगा? तो बोला टाइम बस उतना लूँगा जितनी धार पैनी होगी। उसने धार पैन नहीं करी और 10 मिनट में पेड़ काट दिया। यानी इस बुद्धि को कुल्हाड़ी पे जंग मत लगने दो, इसको घिसो, पहले इसको यूज करो, पहले उस पर पढ़ाई करो, स्टडी करो, 1 दिन, 6 महीने, साल भर स्टडी करो कैसे करना है। स्टडी करके उतरोगे ना, आप आगे जाओगे। मेहनत करोगे, पढ़ाई, उस चीज़ की पढ़ाई करो, उसके ऊपर स्टडी करो, रिसर्च करो, और आज के टेक्निकल यूज़ के हिसाब से काम करो, तो आप आगे जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर अंधाधुंध काम करोगे तो आप रिस्क है, क्या वो टोटल रिस्क है। मनुष्य हो, बुद्धि का यूज़ करना, आगे चलना है। सेफ का क्या है, मैंने बता दिया ना आपको। आपने कर लिया, नौकरी की तैयारी कर ली, बढ़िया है, सेफ़ है, सेफ है, भाई ये है। लेकिन थोड़ा कुछ भी घर में ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, हर महीने की जो तनख्वाह गई वो 7 तारीख से पहले चली जाए, ठीक है। आप इधर उधर इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क है। सेफ रहना रिस्क है, रिस्क आगे जाके सेफ है, अगर इसको समझो, इस कंसेप्ट को। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पुअर मैन क्या है? पुअर मैन का मतलब पुअर सोच वाले मैन। भाई आया बढ़िया पैसा है, गुच्ची की ड्रेस लेनी है, भाई क्या लेनी है? गुच्ची की ड्रेस लेनी है। गाड़ी ले, तेरे भाई के पास सबसे बड़ी गाड़ी होगी, जहाँ पैर रख दूंगा गाड़ियों की लाइन वहीं से खड़ी होगी। आगे क्या, पार्टियों में जाएंगे हैं, और अपने जैसी सोच के दोस्त होंगे। रिच मैन क्या सोचता है, बड़े बड़े अमीर आदमियों को कभी देखना, देश के हो विदेश के हो, कोई सिंपल रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि उनका क्या है इस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और जो गरीब आदमी की सोच है ना वो इसके नीचे वालों पे यूज़ करेगा। आप में से कितने ऐसे हैं जिसके पास पैसा थे, अपने दिमाग को ग्रोथ करने के लिए पैसा लगाते हो, किसी सेमिनार में जाते हो, कहीं मीटिंग अटेंड करते हो, नहीं पैसा आते हाँ भाई वह चीज़ लेने, वह ड्रेस लेने, घूमने जाना है, ये करना है, सब उसमें लगे रहेंगे। इस पर कितने दिमाग, कोई नई किताब खरीदियो, कोई उस पर पढ़ाई करियो, इस पर कितना कम। रिच यही करते हैं, वो इस पर पैसा लगाते हैं। हम क्या करते हैं, इस पर पैसा लगाते हैं, ये पैसा चला जाता है, लेकिन इस पर लगा हुआ पैसा हमेशा आपका साथ निभाता है, याद रखना। ड्रेस बिल्कुल कैजुअल सिंपल होंगी। इन्वेस्ट इनटू बुक्स एंड एजुकेशन, ये है रियल एजुकेशन, समझ में आई ना। एजुकेशन का मतलब बस ये ना होता ऐसे ना रा से हम अरे ABCDFGHI, एजुकेशन का मतलब कड्या हुआ, क्या पढ़्या हुआ और उसके बाद कड्या हुआ, वो है एजुकेशन। वर्क हार्ड एवरी वीकेंड, ये क्या करेंगे हर वीकेंड में पार्टी, भाई पूरे हफ्ते मेहनत कर ली, एक संडे क्यों नौकरी कर, एक संडे का दिन आओगा सोचें उस दिन इंजॉय करेंगे, उस दिन भी नहीं कर पाते इंजॉय, कि उस दिन मेहमान आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ये क्या सोचेंगे भाई वीकेंड पर पार्टी करेंगे, जब वो काम धंधे वाला है ना वो सोचेगा भाई मैं वीकेंड पर भी दबा के काम करूँगा, क्योंकि ये टाइम है अपने काम धंधे को देने का, आगे काम धंधा मुझे देगा। जिस प्रकार बच्चे होते हैं ना, छोटा बच्चा है आप समझ ना, देखो जब आप स्टार्ट कर लोगे कुछ काम स्टार्ट करोगे, आपके अंदर आग आप करोगे, कोई छोटा बच्चा है आप भी जन्म हुआ उसके ऊपर आप 5 साल 10 साल 20 साल तक उस बच्चे के पालन पोषण करते हो, लेकिन जब 20 साल का बच्चा हो जाता है, जब वो कमाना शुरू करता है, आप आराम से सोओगे ना वो जब भी बेटा आपको कमा के देगा। सेम बिजनेस का भी ऐसा है, शुरू में वो बच्चा है उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, अपना टाइम खर्च करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप क्या हो जाओगे, फ्री, क्या हो जाओगे फाइनेंशियली फ्री, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर आर नो बैड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बट देयर आर बैड एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर। सुना हो ना, काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, इसी में वही बात है। इस दुनिया में गाड़ी चलाना, लोग हिचकते भाई गाड़ी कैसे चलाओ, गाड़ी रोड पर चलाना, रोड पे पैसे मत लगाओ ये वो, लेकिन ओला ही गाड़ी कोई चला रहा है, गाड़ी में बैठ के कोई जा रहा है, ओला ने अपना एक प्लेटफॉर्म दे दिया बस और बैठा कमा रहा है, समझ रहे हो ना। अब जोमेटो है, जोमेटो कोई खाना थोड़ी ना बना रहा है, खाना कोई बना रहा है, खाने वाले कोई और है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया बैठा कमा रहा है। यही तो करना है, यही तो करना है, एक प्रॉपर बिजनेस क्रिएट करना। क्या करना है, प्रॉपर बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि कोई भी काम गलत नहीं है, कोई बिजनेस गलत नहीं है, लेकिन उसको चलाने वाले, उसको स्टार्ट करने वाले एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर गलत है। आप क्या होते हो, मार खा लेते हो, भाई मुझे ये काम किया मुझे मार होगी, घाटा है घाटा है, क्यों घाटा है अगर वो ये काम कोई दूसरा इंसान करेगा तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है और आप कर रहे हो घाटा हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। बिजनेस शुरू तो कर दिया लेकिन बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर पढ़ाई करी, रिसर्च करी, स्टडी करी, नहीं करी, पहले इस पे दिमाग लगाओ, ये अपने आप आ जाएगा। फुलसुख बांगड़ू वाली बात है, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे ऐसे कि अपने आप आ जाएगी, सेम चीज़ यही है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से देखना, अगर ये समझ गए ना तो भाई नुगाद हो गए कि सर ऐसी बात ना तो कभी किसी ने बताई ना कोई बताया, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, बिजनेस का भी टीचर है ना 11th 12th में, वो भी नहीं बताएगा कि फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो खुद कभी बिजनेस नहीं करता, बिजनेस का टीचर भी बिजनेस नहीं करता, ठीक है। उसके लिए एक बहुत गहरी बात है, ध्यान से देखना। अपने आसपास 4 कैटेगरी के लोग हैं काम करने वाले, कितने, 4 कैटेगरी के लोग हैं, SEBI। सबसे पहली कैटेगरी है ई का मतलब एम्प्लॉय, ई का मतलब एम्प्लॉय, जो खुद काम रहेगा, देर लगा टूटे रहेंगे भाई, जिसमें नौकरी लगे चाहे सरकारी हो प्राइवेट, आप नौकरी लग गई, ठीक है भाई बढ़िया है, तनख्वाह आती रहेगी, 1 लाख रुपये होगी, 1.5 लाख रुपये होगी, उस हिसाब से खर्चे हो गए, इनकम टैक्स हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, बढ़िया, ठीक है। आप सोचोगे अभी पूरे हफ्ते काम करें, संडे वाले दिन रेस्ट करेंगे, संडे वाले दिन भी रेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरे दिन की थकान है। ठीक है, सबसे पहले ये पूछ तो सेफ दिखेगा आपने, बिल्कुल सेफ है। 60 साल के बाद क्या पेंशन भी बंद होगी है, 60 साल के बाद आप जो पैसा है उसने थोड़ा लगा दोगे, फिर आप क्या हो जाओगे, जीरो। आपने अपना बस सेफ के चक्कर में रह लिया, लेकिन एक ग्रोथ नहीं कर पाए। भाई पैसा ही तो है, समझ रहे ना, पैसा ही है। बचपन से सिखा दिया कि भाई बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया नौकरी लागो, बढ़िया पैसा मिलेगा। अल्टीमेटली क्या है, पैसा ही तो कमाना है। उस बुद्धि का अच्छे तरीके से प्रयोग करके, अच्छे काम में प्रयोग करके, क्या पता उससे जल्दी पैसा कमा ले। वही तो क्लास चल रही है। तो यह फोर्थ कैटेगरी है, कौन सी, थर्ड है सेल्फ वाले। कौन से, सेल्फ वाले। कौन है, सेल्फ। सेल्फ से आप क्या समझते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो क्या है, जो अपना काम खुद करके शुरू कर रहे हैं। जैसे भाई कोई बड़ा डॉक्टर हो गया, उसका अपना क्लिनिक है, कोई लॉयर हो गया, ठीक है, कोई दुकानदार हो गया, जिसका अपना काम कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, यानी उसका काम बढ़िया चलेगा तो लाखों करोड़ों भी कमा सका है। ठीक है, जैसे वो मेहनत करता रहेगा उस पर क्या, इसमें क्या है, पैसे कमाने के ऑप्शन ज़्यादा हैं। आप कितने ही पैसे कमा सकते हो, आप अपनी तरक्की करते रहोगे, समझ गए। लेकिन इसमें भी क्या है, एक बिजनेस नहीं है ये, इसमें क्या आप लगे रहोगे, आपको टूटना पड़ेगा, काम में लगे रहना पड़ेगा। सेल्फ वाले में क्या, काम में लगे रहना पड़ेगा। इसके बाद जो दो का कैटेगरी आ गई है आपके राइट हैंड साइड वाली, बी से बिजनेस, बी से बिजनेस, और आई से इन्वेस्टर, आई से इन्वेस्टर। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में क्या है, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि भैया मैं अपना काम खोल कर बैठ गया, मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, वो तो सेल्फ वाली कैटेगरी है। बिजनेस क्या होता है, आप मैकडोनल्ड को देखो, भाई बढ़िया बर्गर वर्गर बढ़िया चल रहे हैं। अब क्या है, मैकडोनल्ड के पूरी दुनिया में, लेकिन क्या मैकडोनल्ड का मालिक खुद अपने बर्गर बना के बेच रहा है, सर नहीं बेच रहा। ठीक है, आप पिज़्ज़ा हाट देखो, क्या पिज़्ज़ा हाट का मालिक खुद कर रहा है, सर नहीं कर रहा। फेसबुक है, फेसबुक का मालिक खुद कर रहा है, नहीं। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, बिजनेस क्या होता है, आपने एक साइकिल को समझा, आपने उस पर काम किया, मेहनत करी, फिर आपने उसको ऑटो मोड पे ला दिया। क्या ला दिया, ऑटो मोड पे। ऑटो मोड क्या होता है, आपके वर्कर जो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके कलीग हैं बाकी, वे काम करेंगे, आपके एम्प्लॉय काम करेंगे, और वो आप अपना पैसा भी, अपनी तनख्वाह भी कमाएंगे, और वो आपको कमा के देंगे। आपको उस चक्कर में नहीं फंसना, आपको उस चक्कर में नहीं फंसना, आप उससे अलग हो, आप बस देख रहे हो, ऑब्जर्वर हो। काम वो सब कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, वो आपको पैसे कमा के दे रहे हैं, ये होता है बिजनेस। मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मालिक काम नहीं कर रहा, वो बैठा आराम से। ठीक है, बस यही है। जो आप कह रहे हो ना, अपना काम धंधा खोल गया, मैंने तो अपने उसकी दुकान खोल लिया, मैंने वो काम शुरू कर दिया, उसमें लग रहे, वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप खुद को काम कर रहे हो, खुद उस चक्कर में फंसे हुए हो, लेकिन उस चक्कर से अलग होके काम कर लोगे तो आप किस में चले जाओगे, बिजनेस में। किस में, बिजनेस में। आई से क्या होता है, इन्वेस्टर। ये टॉप कैटेगरी है दोनों भाई। इन्वेस्टर क्या होता है, मुझे लगा इस चीज़ में ये क्या है, ये काम, ये टैलेंटेड है इस इंसान बहुत, मैंने उसको देखा, उसके टैलेंट को परखा, और मैंने देखा वो कुछ काम करना चाह रहा है, मैंने उसका सीधा कर लिया, भाई मैं तेरे इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, तेरी हेल्प भी कर दूँगा, काम सारा तू करेगा, 50 मेरे 50 तेरे। इसमें क्या है, इन्वेस्टर कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, टैलेंट को चुनता है, उस पर इन्वेस्ट करता है, और अपना ही पैसा कमाता है, और वो भी ठा लेता है, समझे। कुछ नहीं दे, थोड़ा नहीं, कुछ नहीं, इसका यूज़ कर लिया उसने। इन्वेस्टर टॉप कैटेगरी का इसका यूज़ करता है, उसे देख लिया, चुन लिया, भाई 1000 बच्चे हैं, इनमें से कौन सा बच्चा क्या करने के काबिल है, किस में टैलेंट है, उसको वहाँ से चुना, उसको देखा कि क्या करना चाह रहा है, उसके साथ डीलिंग करी, और फिर उसमें इन्वेस्ट कर दिया, सारा काम ये करेगा और ये इसको पैसे ला के देगा, बस ये है इन्वेस्टर। तो SEBI जहाँ तक मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होगे। ठीक है, अगर आप इस 9 से 5 वाले रेड ट्रैप में फंस के खुश हो, सिंपल से एक नौकरी मिल गई, ठीक है, सेफ रहना चाह रहे हो, याद रखना आप सबसे ज़्यादा अनसेफ हो। अपने आसपास देख लेना, किसी भी नौकरी वाले को थोड़ी सी दाब पड़ते ही पूरा परिवार गड़बड़ा जाता होगा। ठीक है, इस रेड ट्रैप से बाहर निकलो। क्या करना है, इस रेड ट्रैप से बाहर निकलना है। ठीक है, अपना बिजनेस खड़ा करना, इन्वेस्टर बनना, अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अल्टीमेटली पैसे ही तो कमाना है। अच्छे अच्छे तरीके हज़ारों हैं, आप एक चीज़ में बांधो मत, पैसा कमाने के हज़ारों तरीके हैं। ठीक है, आप क्या करते हो बस एक नौकरी, नौकरी क्यों? क्योंकि भाई सेफ है। नौकरी क्यों? सेफ है, लेकिन नौकरी सबसे ज़्यादा सेफ है। मेहनत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जाते जाते एक बात कहता चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान देना, इस काबिल बनाओ खुद को पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करो। समझ रहे हो ना, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करो। तो न्यू लक्ष्य की बिजनेस क्लास की पहली कड़ी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।